हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बनाते हैं आज एक ऐसी रेसिपी जो कई अलग तरीके से काम करती है। चाहे तो सुबह के नाश्ते में बना लें, रोटी पूरी पराठे के साथ खाएं, या दोपहर के लंच में बनाकर चावल के साथ खा लीजिए, शाम को नाश्ते में चूड़े या मुरमुरे के साथ खा लीजिए, या रात के डिनर में। तो ये एक रेसिपी कई अलग तरीके से काम करती है। कभी कभी क्या होता है कि हरी सब्जी से लगातार मन ऊब जाता है, या फिर इस बारिश के मौसम में सही सब्जियां मिलती नहीं, तो ये रेसिपी बड़ी काम आती है। तो इसके लिए कढ़ाई में ऑयल डाला, थोड़ा सा जीरे का तड़का डाल दिया है मैंने, और जब जीरा पक गया तो एक सूखी लाल मिर्च भी तोड़ करके ऐड कर दिया है। यानी कि जीरा, तेज़पत्ता और लाल मिर्च का तड़का डाला, और यहाँ 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज को कट करके डाला है मैंने। बहुत ज़्यादा भी नहीं, 2 से 3 मीडियम साइज़ की है, अगर बड़ी है तो 1 या 2 काफ़ी रहेगी। और इसे हम हल्का सा भून लेंगे धीमी आंच पर। प्याज जब भून जाए थोड़ी सी, तब इसमें हम ये पिसा हुआ लहसुन ये ऐड कर देंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर पिसा हुआ लहसुन ऐड किया है, और इसे 1 मिनट के लिए प्याज के साथ भूनेंगे, और उसके बाद ही सभी सूखे मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी, बहुत छोटी सी वीडियो है, पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत अलग सी ये सब्ज़ी बनती है जो हर तरीके से काम आती है। और प्याज लहसुन भुनने के बाद उसमें सभी सूखे मसाले, यानी कि धनिया, मिर्ची, हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा छोले मसाला या सब्ज़ी मसाला जो भी हो वो ऐड कर सकते हैं। और इस मसाले को थोड़ा सा पानी डालकर हम भून लेंगे, क्योंकि सूखे मसाले ऐड किए थे। चाहे तो मसालों को पानी में घोल कर डालें। और जब मसाला 1-2 मिनट के लिए भुन जाए तो एक कटा हुआ टमाटर भी इसमें ऐड कर देंगे, और धीमी आँच पर भुनेंगे। टमाटर के साथ ही नमक भी डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, इसे टमाटर जल्दी गल जाता है और मसाला सही से भुनता है। तो पहले मैं यहाँ पर मसाला रेडी कर रही हूँ, और उधर अलग कुकर में मैंने मटर को बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो ये सूखे वाले हरे वाले मटर हैं, जिसे 4-5 घंटे पहले भिगो लिया था, और फिर कुकर में डालकर 4 से 5 सीटी लगा ली है। साथ में एक आलू को भी कट करके मैंने डाला है इसमें। यानी कि सूखे हरे वाले मटर, चाहे तो सूखे पीले वाले मटर, ये हरे या पीले किसी भी मटर से आप ये रेसिपी बना सकते हैं। और उसके साथ एक आलू भी ऐड किया है। तो मसाला जब भुन गया तो ये उबला हुआ आलू मटर ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स किया, और थोड़ा सा ही पानी और डाला, थोड़ा सा गरम मसाला। ढककर 3-4 मिनट के लिए और मीडियम हाई फ्लेम पर हम पका लेंगे। और रेडी हो गई हमारी ये सूखे वाले मटर आलू की बहुत ही लाजवाब स्वाद वाली सब्ज़ी। इसे सुबह नाश्ते में बनाकर रोटी पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं, या दोपहर के लंच में चावल के साथ खा सकते हैं, या हमारे यहाँ शाम के नाश्ते में इसे चिवड़ा या मुरमुरे के साथ खाया जाता है। तो ये एक रेसिपी कई अलग तरीके से काम आती है, और आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर ज़रूर कीजिएगा।